वृंदावन के काना माखन स्कूल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक स्कूली गाड़ी में धमाका हुआ है, जिसकी वजह से ये आग लग गई। इस घटना में बच्चे भी सवार थे। ये पहला मामला नहीं जब इस तरह की घटना सामने आई है। बीते दिन मथुरा प्रशासन ने काना माखन की गाड़ियों को नोटिस भेजा था, जो मानक के अनुरूप खराब थी। दूसरी तरफ बताया गया है कि वृंदावन काना माखन की गाड़ी है, जिसमें धमाका हुआ है। अब एक दो से तीन बच्चे झुलस चुके हैं, इनको आर के मिशन में इनको एडमिट करा गया है। और ये स्कूल की बड़ी ही घोर लापरवाही है, क्योंकि स्कूल के जितने भी ये बड़े से छोटे बाहर हैं, कोई इनकी फिटनेस नहीं है, इनके सब कागज़ ख़त्म हो चुके हैं। शासन प्रशासन इस तरफ को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ़, ऐसे स्कूल प्रबंधक मालिकों के खिलाफ़, ड्राइवरों के खिलाफ़ सरकार को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। अभी दो बच्चे घायल हुए हैं, उनके कहाँ का बड़ी भयानक आग की चपेट में आए हैं। अगर आप स्थानीय निवासी नहीं होते तो उनके तो बड़ी घटना हो सकती थी। देखिए, ये हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से मैचिंग में अचानक से आग लगी थी, और छोटे छोटे उसमें 4 से 5 साल तक के बच्चे थे, किसी का पैर, किसी की गर्दन, किसी की हाथ झुलस चुके हैं। हमने तत्काल पहुँचकर बच्चों को गाड़ियों में से निकाला और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया।